इज दिस द एंड ऑफ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स? क्योंकि मैंने जो अभी देखा है ना, जो AI कर रहा है, it's damn scary for like small music producers like us, जिसके पास clients आते हैं, they say कि यार मेरे को 15 seconds का इस तरह का मेरे को background music चाहिए, या मेरे को एक storyline बनानी है, मुझे एक minute की video चाहिए जिसमें ना इतनी seconds में ये होने वाली, इतनी seconds में ये होने वाली, इतनी seconds में ये होने वाली है, और उसके बाद इस तरह से हम end करेंगे, तो उसके लिए एक तो पीछे में एक music बना दो। तो आज AI सब कुछ कर ले रहा है, मैं AI को ट्रैक कर रहा हूँ, AI म्यूजिक के साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन अभी गूगल आई ओ 2023 में जो सुंदर पिचाई ने जो अनाउंसमेंट किया अबाउट गूगल लैब्स, उसमें उन्होंने कहा कि आप गूगल लैब्स में जाकर आप गूगल के एक्साइटिंग जो रिसर्च चल रही है AI में उसको जाकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने उसे टेस्ट किया, मैंने उसके कुछ सैम्पल देखा और वो देख कर मेरा तो यार दिमाग हिल गया। तो चलिए देखते हैं वो क्या है और वो क्या कर सकती है, उसकी वॉन्डर्स को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मिलकर। तो आपको अगर AI लैब्स में जाना है तो आपको सबसे पहले क्या है ना, गूगल लैब्स आपको सर्च करनी पड़ेगी। गूगल लैब्स जैसे आप सर्च करोगे आपको यहाँ दिखेगा withgoogle.com में labs.withgoogle, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसा इसमें क्लिक करोगे आपके पास ये पेज खुल जाएगी। जैसे आपके पास ये पेज खुलती है उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है इधर और यहाँ पर आपको लर्न मोर में क्लिक कर देना है। आप देख पा रहे हो यूज AI टू टर्न योर वर्ड्स इनटू म्यूजिक, मतलब आप इसको प्रॉम्प्ट दीजिए, आप इसको बोलिए कि मुझे को इस तरह का म्यूजिक चाहिए, मेरे ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, ये सिचुएशन चाहिए, ये मूड चाहिए, मेरी इस तरह की वीडियो मेरे को इस तरह का बना के दो, वो उस तरह का बना के दे देगा। इट्स स्केरी, मैं आपको दिखाता हूँ सामने क्या है। अच्छा मैं AI किचन में आता हूँ, AI किचन में मेरे को क्या करना है, मेरे को ट्राई नाउ, जैसे आप नीचे जाओगे या म्यूजिक LM या ट्राई नाउ, ठीक है, ट्राई नाउ में आप जैसे जाओगे तो आपको देखेगा वेट लिस्ट ज्वाइन करो। अभी मैं ऐसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा लेकिन इसकी मैं सैम्पल्स में देख पाऊँगा, जैसे सैम्पल्स में देखना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे को जाना है या साइड या हैमबर्गर साइन में, यहाँ पर लिखाना हाउ जनरेटिव म्यूजिक वर्क्स। जैसे आप यहाँ जाओगे आपको यहाँ पर इसकी पेपर मिल जाएगी, इसकी पेपर ये है, इसके पेपर के थ्रू मैं जा रहा था। उसके अलावा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसकी कुछ सैम्पल्स है, ठीक है। तो यहाँ पहला चीज हमें क्या दिख जा रही है, ऑडियो जनरेशन फ्रॉम रिच कैप्शन, ऑडियो जनरेशन फ्रॉम रिच कैप्शन। क्या है कैप्शन भाई, अ मेन साउंड ट्रैक ऑफ एन आर्केड गेम, एक आर्केड गेम के लिए आप मेन साउंड ट्रैक बना रहे हो, जो पीछे चलती है गेम्स के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलती है ना वो वैसी। इट्स अ फास्ट पेस्ड अपबीट विद अ कैची इलेक्ट्रिक गिटार रिफ, तो इलेक्ट्रिक गिटार की क्रिफ होगी उसमें, एंड म्यूजिक इज रिपीटेटिव, म्यूजिक रिपीट करती है, यूजुअली आर्केड गेम्स में म्यूजिक रिपीट करती है, एंड इट्स इजी टू रिमेंबर। ऑफ कोर्स जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारे अंदर वो म्यूजिक फिट हो जाती है, तो उसे उस तरह से बनाया जाता है कि आपके ब्रेन उसको याद कर ले, ठीक है। विद अनएक्सपेक्टेड साउंड लाइक सिंबल क्रैशेस और ड्रम्स, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो चलो सुनते हैं कि क्या है, क्या बनाया है। Unexpected sound. It was amazing यार, मतलब आप इसको बता दिए इसने पूरा इतना मस्त। आप सोचो आप एक गेम डेवलप, आप गेम डेवलपमेंट करो, इसके पीछे आप इस म्यूजिक को लगा दो, या आपके पास कोई गेम डेवलपर आ रहा है वो बोलता है मेरे यार मेरे को एक ये म्यूजिक बना के दो, मेरे को अपने इस गेम में म्यूजिक डालनी है, उसको आप यहाँ पे बताओ कि मेरे को इस तरह की म्यूजिक चाहिए, उसकी ब्रीफ को लो, उसकी ब्रीफ को AI को बताओ, AI आपको म्यूजिक दे देगा। इट्स दैट सिंपल एंड इट्स दैट स्केरी, क्योंकि ये कर ले रहा तो कल को जाके तो आपके क्लाइंट्स भी वो कर लेंगे, तो उनको तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। इसके बाद क्या है यार, अ फ्यूजन ऑफ रेगाटन एंड इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक विद अ स्पेसी अदर वर्ल्डली साउंड, ओके, व्हाइल बीइंग डांसेबल, ओके। तो एक डांस म्यूजिक टाइप होगी जिसको आप देखकर आप अपना कमर मटकाना या बॉडी हिलाना स्टार्ट कर दोगे। सुनते स्पेस क्रिएट किया जा रहा है रिवर्स सिंबल से और रेगाटन बीट से। स्पेस का एक्सपीरियंस के लिए इस तरह का थोड़ा एस्ट्रोनॉट स्पेसी थीम दिया गया है, उतना मेरे को पर्सनली उतना बेटर अच्छा नहीं लगा ये वाला, लेकिन चलो यार ये तो टाइम के साथ अच्छा ही होगा,
ठीक है, खराब तो होगा नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग जनरेशन, अभी आप देखें यहाँ पे सब 30 सेकंड्स के आपको प्रॉम्प्ट्स है, 30 सेकंड्स की म्यूजिक दिख रही है। लॉन्ग जनरेशन इसमें आप क्या है कि यार आपको एक तरह सपोज के आप बोलते हो बहुत टाइम होता है ना यार मेरे को ये बैकग्राउंड में ना सर जैजी साउंड चाहिए, तो आप बोल दो यार मेरे को ना रिलैक्सिंग जैज दे, तो वो आपको वैसा दे देगा। आप उतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए 5 मिनट्स की वीडियो है, सॉरी म्यूजिक है, तो आप यार यहाँ पे जाकर इसको प्ले कर लो, अभी से बैकग्राउंड में लगाओ आप अपने, लाइक किसी आप स्कोरिंग कर रहे हो स्कोरिंग के पीछे लगा लो, लाइक बहुत फिट बैठ रहा है मेरे को, बहुत सही लगा ये वाला। इजी यार, आप बस बोल दो कि यार मेरे को ना रिलैक्सिंग जैस फील चाहिए मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए, तो यार वो पीछे दे देगा। ओके उसके बाद आता है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मोड। स्टोरी मोड क्या है यार? स्टोरी मोड में है कि यार आप होता है ना आपको ब्रीफ मिलता है कि देखो मेरे को 15 सेकंड, मेरा 1 मिनट के मैंने को मेरे को वीडियो बनानी है, उसमें 15 सेकंड ये दिखानी है, 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 या आप बता दो कि यार मेरे को 30 सेकंड की कमर्शियल बनानी है। ठीक है, जैसे एप्पल्स बनाता है, एप्पल बनाता है उसमें बोलता है कि मेरे को इतना सेकंड ये दिखना है, इतना सेकंड ये देना है, इतना सेकंड ये देना है, इतना सेकंड ये देना है, वही आके कर देगी। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यार टाइम टू मेडिटेट 15 सेकंड्स, टाइम टू वेकअप अनदर 15 सेकंड्स, एंड टाइम टू रन एंड गिव 100%। मतलब एक मोटिवेशन टाइप ऑफ वीडियो दिखा रही है। ठीक है, एक रोज रोज की जिंदगी के बारे में यहाँ बता रही है। देख सुनते यार किस तरह का बनाया है। तो अभी आता है टाइम टू मेडिटेट। कर पर ऐसे कहीं घूम रहा है, संगीत आ रहा है साइड से। अजूबा था यार, क्या ही अजूबा था, ओह मजा आ गया। नहीं क्या मतलब आपको लगता है क्या इसके बाद आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को हायर करने की जरूरत पड़ेगी भी? मतलब मैं मानता हूँ इसको और अच्छा इसको मास्टर किया जा सकता था, और अच्छा इसमें मिक्सिंग की जा सकती थी, वो ठीक है टाइम के साथ वो बेटर ही होगा ना। अभी जो इसने फुल रिलीज भी नहीं किया है, आप सोचो मैंने इसमें आप R&D चलेगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, टेक्स्ट एंड मेलोडी कंडीशनिंग। अच्छा क्या है ये? बाई एडिंग मेलोडी इम्बेडिंग्स टू द कंडीशनिंग वी कैन जनरेट दैट रिस्पेक्ट। ओके तो यहाँ क्या बोल रही है कि आप देखो यार आप ना इसको आप मेलोडी दो एक, ठीक है आप इसको एक मेलोडी दो, ठीक है, एंड उसके बाद उसको मेलोडी को आप बोलो कि यार मुझे चेंज करके दो मेरे को, मतलब कि इस मेलोडी मैंने आपको मेलोडी फेंका और आपने क्या किया मेरे कंडीशन के हिसाब से आपने मेलोडी को चेंज किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको एक अलग फॉर्म में आपने ले गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बेला चाओ का हमिंग है, ठीक है, ना 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 ओके तो आपने ये हमिंग इसको दिया, ठीक है, उसके बाद आपने इसको कहा कि यार सुनो ना मेरे को इसे गिटार सोलो बना के दो, या मेरे गिटार में बजा के दिखाओ, तो ये गिटार में बजाएगी, अब दिखाता हूँ मैं कैसे। दिस इज अनबिलीवेबल यार, मतलब आप समझ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि यार किस तरह का काउंटर मेलोडी और मेलोडी को मिक्स करके, और वो बेस जो पीछे से आया उसको किस तरीके से मिक्स करके इसने ये बनाया। मतलब एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, इसको मतलब सोचना ही, इसको कंपोज करना ही इतना डिफिकल्ट है। AI को आपने कहा कि यार ये लो मेरा हमिंग लो बना दो, इसने बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है, वो सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसको उस तरह का डेटा के साथ ट्रेन किया गया जहाँ पे इसे बताया गया कि इस कंडीशन में ये होता है, उस कंडीशन में वो होता है, उस तरह का सारे डेटा को लेके इसने सीखा है कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। अच्छा अब आता है पिक्चर कैप्शनिंग कंडीशनिंग। खैर यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है,
सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो अभी भी बहुत बड़ा हो चुका है। आप इसे जाकर आप टेस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे जाके सारे एग्जांपल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने सारे पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो। और एज अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो और आपको लग रहा है कि यार ये सच में ना मेरा जॉब खाने वाला है, आज नहीं बल्कि आज से 2-3 साल बाद, तो यार देखो इसको यूज़ करके आप देखो किस तरीके से, पहला बात तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, सेकेंडली आप यहाँ पे आप AI को यूज़ करके आप आइडियाज जनरेट कर सकते हो। होता है बहुत टाइम हमारा माइंड ब्लॉकेज हो जाता है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे तरह के छोटे छोटे क्लिप्स को या बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखते हैं। जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं हमें कुछ बोलती है तो हम उन्हीं क्लिप्स को, उन्हीं छोटे छोटे सैम्पल्स को हम वहाँ बजाकर क्लाइंट्स को दिखाते हैं कि यार देखिए इस तरह का चीज़ है, इस तरह का चीज़ है और आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अब देखिए बेसिकली AI को हमें यूज़ करना है आइडियाज जनरेट करने के लिए। ऑफकोर्स अभी भी इतनी रिफाइंड इसमें साउंड नहीं है, बट देखिए टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती है, तो हो सकता है कि आपको ये AR रहमान जैसा साउंड दे ही सकता है। ओके, अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए भाई, ARM का बहुत सारा साउंड्स है यहाँ पे ऑनलाइन में, तो उसे लग रही ट्रेन किया जा सकता है। देखिए अभी तो हम सिर्फ प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, पर जो विटनेस हमने किया है आई थिंक दैट्स वेरी बिग, दैट्स वेरी ह्यूज, एंड यस इन अ वे इट्स स्केरी। चलो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, इस तरह के AI रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको और देखना है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए चलते हैं, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।